अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रिसन टू कायद विलास और इकबाल विलास के लिए मशहूर है, जाना जाता है। और ये प्रिसन कायद विलास और इकबाल विलास जो हम लोग सुनते हैं, ये हम लोग को ये बताया जाता है कि मेन गेट से करीब तर अगर कोई हाईली पॉपुलेटेड और बड़ा डिसेंट एरिया जो डिज़ाइन किया गया वेरिया टाउन की तरफ से, सेफ एंड सिक्योर और जो कैमराज की आंख से भी छुपा हुआ नहीं है, स्मार्ट सिटी का दर्जा जिसको दिया गया, वो प्रिसन टू यानी कायद विलास और इकबाल विलास पर मुश्तमिल है। यहीं पर चंद एक अपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो फौरी रिहाइश के काबिल हैं और बड़ी शानदार बिल्डिंग जो यहाँ पर बन चुकी है एफ बी बिल्डर के नाम से। यहाँ पे हमारे पास चार टोटल यूनिट्स हैं, दो कमरों के और चार कमरों के अपार्टमेंट पर मुश्तमिल यहाँ ये पूरी बिल्डिंग डिजाइन की गई थी। कॉर्नर की बिल्डिंग है, मुख्तलिफ साइड से मुख्तलिफ मनाजिर देखने को मिलते हैं। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे बिजली, पानी, गैस, सेफ्टी, सिक्योरिटी, 24/7 वॉचमैन भी पूरी बिल्डिंग का अलग से रखा गया है। यहाँ पे कुछ फैमिली शिफ्ट भी हो चुकी हैं। पैरागॉन टॉवर्स बेरिया टाउन कराची का वो वाहिद बिल्डर, प्राइवेट बिल्डर है जिसने अपनी बिल्डिंग में फैमिलीज को या अपने कस्टमर्स को शिफ्ट कर दिया था। अब उसके बाद सेकेंड बेस्ट बिल्डर मैं ये कह सकता हूँ कि एफ बी बिल्डर है, फ्लोरिडा बिल्डर, जो कि एवेन्यू वन के ऊपर जहाँ पे इकबाल विलास और कायद विलास है, तो कायद विलास के बिल्कुल पीछे जो पहला सिग्नल आता है बैरिया टाउन का, यहाँ पे ये बिल्डिंग बनी हुई है और यहाँ पे फैमिलीज भी शिफ्ट हो चुकी हैं इसी बिल्डिंग में। और आज चंद एक ऑप्शन जो हमारे पास हैं, जिस तरह मैंने बताया कि टोटल चार यूनिट्स हमारे पास आए हुए हैं सेल के लिए, इसकी रीसेल पे आप लोग डील बना सकते हैं। और ये भी हम ऑफर दे रहे हैं कि 50% डाउन पेमेंट दे के आप यहाँ शिफ्टिंग हासिल कर सकते हैं और रेस्ट ऑफ 50% अमाउंट आप लोग कोई 4 महीने 6 महीने का टाइम लेके इंस्टॉलमेंट प्लान भी कस्टमाइज डिजाइन करवा सकते हैं। और बताता चलूं कि यहाँ पे बिजली, पानी, गैस की हर तरह की सहूलियत बैरिया टाउन मैनेजमेंट की तरफ से ऑफिशियली इस बिल्डिंग को जो है वो कंटिन्यू की जा चुकी है। और यहाँ की जो अपार्टमेंट आप लोग लेंगे, कोई भी प्रॉपर्टी लेंगे, वो प्रॉपर्टी ऐसी नहीं कि बिल्डर ट्रांसफर है वो भी, बल्कि बेबी फाइल डायरेक्टली फ्रॉम बैरिया टाउन आप लोगों को उसकी डॉक्यूमेंटेशन करके दी जाएगी। इसमें कोई भी खतरा या कोई ऐसा खदशा नहीं रहेगा कि आप लोग ऐसे परेशान हों या किसी बिल्डर पे आप लोगों को ट्रस्ट करना पड़े। आज बिल्डर ने अपनी जिम्मेदारी से इस बिल्डिंग को मुकम्मल करके अब बैरिया टाउन से हर तरह की एनओसीज हासिल की, एनओसीज के बाद कंप्लीशन हासिल किया और आज इसमें चार ऐसे यूनिट्स हैं जो हम लोग सेल पे आज डिस्कस कर रहे हैं। मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे साथ रहिएगा और याद रखिएगा ऐसी ही प्रॉपर्टी या परचेज करें जैसे कायद विलास है। अगर स्क्वेयर फिट एरिया को देखा जाए तो चार कमरों का जो अपार्टमेंट है उसका स्क्वेयर फिट एरिया कायद विलास से भी ज्यादा बनता है। अब वही सारी सहूलियात जो कायद विलास और इकबाल विलास के रिहायशी इंजॉय कर रहे होंगे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, मस्जिद हो, पार्क हो, कमर्शियल एरिया हो, या इसका जितना भी एक पूरी लोकेशन बनती है, लोकेलिटी बनती है जो कि मैंने जिस तरह से कहा कि स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया हुआ है, यहाँ से करीब तर बैंकिंग सेक्टर, कमर्शियल एरियाज, बैरिया टाउन का हॉस्पिटल, फ्यूल स्टेशन हो, बैरिया टाउन का मेन गेट हो, वो इस लोकेशन से करीब तर सारी की सारी सहूलियात प्रोवाइड की जा चुकी हैं। तो आप लोग देर ना कीजिए, सिर्फ चार अपार्टमेंट रह गए और आप इसको अवेल कर सकते हैं। दो कमरों और चार कमरों पर मुश्तमिल अपार्टमेंट्स हैं। थैंक यू सो मच।